हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 5 वर्कशीट 2 सोलह स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। हमें कह रहा है इन सब में से कौन सा कांस्टेंट है। तो देखो, इसमें वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसमें वेरिएबल है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी वेरिएबल है तो ये भी नहीं हो सकता। है तो इसमें वेरिएबल एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1। तो 1 क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर। अब बी है, 2x³ - 5x + 4x^4 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 1 है और 4 है। 3 और 1 और 4 में सबसे पावर बड़ी कौन सी है, 4। तो हमारा आंसर 4 है। ऐसे क्वेश्चन सी है, न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन -3/2xy² z इज न्यूमेरिकल है। तो देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल तो ये काउंट ही नहीं होगा। न्यूमेरिकल क्या है, -3/2, और क्या ये वाई स्क्वायर के आगे लगा है, हाँ, तो -3/2। ये वाला आंसर ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डी है, कॉमन फैक्टर ऑफ द टर्म इन द एक्सप्रेशन 5x² - 2x² इज। देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में आप देखोगे इधर भी एक्स स्क्वायर है और इसे भी x² * x³ लिख सकते हो। तो इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x² ये वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ई है, a² + 2ab + b² कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज। ये देखो ये फॉर्मूला नहीं है a + b² = a + b² = 2ab + b², तो ये वाला आंसर सही है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 है, एक मिनट पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पहला है a² - b², ये आइडेंटिटी याद है, ये आइडेंटिटी होती है a + b और a - b। मैंने इस पर ना एक सेपरेट शॉर्ट्स बना रखा है, अब वो जाके देख सकते हो, मैं यहाँ आई बटन लिंक दे दूंगा। अब क्वेश्चन बी है, 2x - 5। तो देखो कुछ नहीं होता, ये 2x तो एज इट इज रह जाएगा, तो -5। अब ये एक बार इससे मिल जाएगा, एक बार इससे, तो -5 × x - 5x और -5 × -5, तो 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस। द सम ऑफ टू मोलिनोमियल कैन बी डैश एंड डैश। अब देखो दो मोलिनोमियल का सम क्या क्या हो सकता है, देखो दो मोलिनोमियल 5 और 7 भी हो सकते हैं, 5x + 7x भी हो सकता है, 5 + 7x भी हो सकता है। तो क्या क्या बन सकते हैं, या फिर वो मोनोमियल ही बन सकता है, या फिर बाइनोमियल भी बन सकता है ना। अगर दो लाइक टर्म्स होंगे तब तो मोनोमियल्स बनेगा, अगर दो अनलाइक होंगे तब बाइनोमियल बन जाएगा। अब क्वेश्चन 2 का डी है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 4p³ (mn²) + 2p(m²)³ इज। देखो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो इसे मतलब देखो 4p³ (mn²) को हम ऐसे ले सकते हैं, 2 × 2 × p² × p² × m² × n, है ना। तो अब देखो इन सब में से क्या क्या कॉमन है, 2 है, p है, ठीक है, m² है और n है, इस सिर्फ एक n है। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2p² (m²) ये हमारा फैक्टर हो गया, ये हमारा आंसर। सॉरी हमने ना उल्टा देख लिया, m² नहीं n² है, तो ये m सिंगल हो जाएगा और n², तो ये m² यहाँ से हट के, तो 2pmn² हो गया। अब इसका फैक्टर निकालोगे तो 2pmn² आ जाएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस 2x - 1/5² यूजिंग द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखो ये किसका आइडेंटिटी लग रहा है, a - b² का नहीं लग रहा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab - b², तो देखो अब यहाँ a मान लो 2/x और b मान लो 1/5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 2 × a क्या है, 2x और b क्या है, 1/5 - b², यानी कि 1/5 का स्क्वायर। और सॉरी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, a² - 2ab + b² होता है, तो ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x² क्या होता है, 4x² माइनस 2 × 4x / 5 प्लस इसका स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का 1 और 5 का 25, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 4 है, मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस। तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3 × x - 4 क्या हो जाएगा, तो 2x × x 2x², 2x − 4 तो 2 × 4 = 8x और साइन किसका, माइनस का, -3 × x तो -3x और -3 × -4 तो 3 × 4 = 12 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x² - 8x - 3x कितना, -11x + 12, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विथ साइड x + 2 x + 3 and x + 5, फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ x, न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ x इन द रिजल्टेंट पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इधर कौन कौन सी साइड है, x + 2 का + x + 3 + x + 5,
यानी कि हमें इन तीनों का क्या करना है, सम। तो देखो x x x कितना हो गया 3x प्लस 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 3x प्लस 10। अब हमें क्या पूछना है, इसमें कोफिशियंट ऑफ x कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ x इक्वल्स टू, एक मिनट पहले मैं आपको हल्का विजिबल कर दे रहा हूँ, तो कोफिशियंट ऑफ x क्या आ जाएगा इससे, देखो x के आगे क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशियंट है 3, तो ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 6 है, फैक्टराइज 4a स्क्वायर माइनस 525b स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी प्रिंसिपल। हमें कह रहा है 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, इसे आइडेंटिटी प्रिंसिपल x यूज़ करके सॉल्व करो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें याद आता है कि देखो ये 4a स्क्वायर है, तो इसे हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, माइनस 5b स्क्वायर, तो इसे हम 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला वो नहीं बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ये हो जाएगा 22a प्लस 5b ब्रैकेट में 2a माइनस 5b, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। अब क्वेश्चन 7 है, एक मिनट पहले मैं आगे कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन 7 है, फैक्टराइज बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। हमें ना इसमें जो मिडल टर्म है ना, इसे स्प्लिट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा इक्वेशन हो गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब देखो इसमें क्या होता है, 4 जो पहला वाला टर्म का कोफिशिएंट है उसे लास्ट वाले से मिटा रहा है, तो 4 5 जा 20, अब 20 का एलसीएम निकालो, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसमें देखो अब कैसे इसे वो अरेंज करें कि 12 आ जाए, तो इसे ऐसे अरेंज करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें ना इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 5 जा 20 आ जाना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 10 20 आ रहा है, और 2 प्लस 10 12 भी आना चाहिए, तो देखो वो भी हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा 5, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इस पूरे में से 2x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x प्लस 1, अब यहाँ अंदर क्या बच जाएगा 2x प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2x प्लस 1 2x प्लस 5, ये हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन 8 है, डिवाइड 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x बाय 2x। हमें ना इसे डिवाइड करना है, तो इसे ऐसे कर सकते हैं 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 25, सॉरी 2x बोल रहा है, तो इसे हम ना अब ये टोटल के ऊपर है, यानी कि इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, 8x क्यूब अपॉन 2x माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 4x अपॉन 2x। अब देखो ये 2 टू जा 4, ऐसे ही 2 थ्री जा 6, 2 टू जा 4 मतलब 2 4 जा 8, हाँ। तो ये अब ये देखो x की और 1 है और इधर x की और 3 है, डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये हो जाएगा, एक मिनट पहले मैं आपको सही से विजिबल कर दे रहा हूँ। तो ये देखो ऐसे केस में क्या हो जाता है, पहले तो हमने 4 लिख लिया 4, अब ये x की और 3 है और x की और 1 है और डिवाइड में, तो x की और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 3, एक्स की वायर 2 और यहाँ 1 है, ये भी सेम डिवाइड में और बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा एक्स की वायर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस ये और x और ये x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 9 है, मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 बाय वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द रिजल्ट। हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y प्लस x स्क्वायर, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, तो देखो 3x इंटू ये, तो 3x y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x इंटू x एक्स स्क्वायर y प्लस 3x इंटू ये, तो 3x क्यूब, फिर अब क्या साइन है माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, अब ये 5y स्क्वायर प्लस 5 टू जै 10xy प्लस 5x स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोलो तो ये आ जाएगा 3x y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 3x क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 10xy माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई सा भी टर्म मिल रहा है जो आपस में प्लस या माइनस हो सकता है, नहीं, तो सबसे पहले अब हम ना वेरीफाई कर लेते हैं, सबसे पहले x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करो इस इक्वेशन में, ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसमें ना वेरीफाई वाला करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो 3x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 6 1 का स्क्वायर 2 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर माइनस 10 1 और 2 माइनस 5 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3
थ्री वन जा थ्री और थ्री फोर जा और सॉरी थ्री इंटू वन, वन इंटू थ्री थ्री और टू का स्क्वायर फोर, प्लस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस टू, सिक्स टू जा ट्वेल्व, प्लस थ्री इंटू वन का क्यूब थ्री, माइनस फाइव इंटू फाइव इंटू टू का स्क्वायर फोर, तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, माइनस टेन इंटू टू ट्वेंटी, प्लस माइनस फाइव इंटू वन का स्क्वायर माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, सेवन माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी कितना होता है माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन माइनस फाइव तो हो जाएगा माइनस एटीन, तो ये हमारा इससे क्या आ गया माइनस एटीन। अब ये तो हमने जो इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके देखी उससे आया, अब हम नॉर्मली इससे करके देखते हैं, तो थ्री एक्स माइनस फाइव में एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा थ्री वन माइनस फाइव, तो क्या हो जाएगा माइनस टू, है ना, थ्री वन जो थ्री माइनस फाइव तो माइनस टू, और वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर में पुट करके देखोगे तो y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू है टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू टू प्लस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर प्लस टू टू जा फोर प्लस वन, तो फोर प्लस फोर वन, फोर प्लस फोर एट और प्लस वन नाइन, तो हमें क्या करना था इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू नाइन, तो माइनस टू इंटू नाइन माइनस एटीन, तो ये और ये मैच कर रहा है, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन टेन है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, तो हमें कह रहा है इससे यानी कि एट एक्स प्लस टू इसमें ऐड कर दो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, फिर इसके सम को इससे माइनस कर दो, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखो फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो फाइव एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एट एक्स प्लस फाइव एक्स तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री तो माइनस वन, तो ये हो गया हमारा पहले तो इन दोनों का सम आ गया, अब इसे किससे माइनस करना है इससे, तो हमें नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन को माइनस करना है फाइव एक्स स्क्वायर थ्री एक्स और वन से, तो देखो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का और ये माइनस का तो प्लस का, अब इसे सॉल्व कर दो तो हो जाएगा नाइन माइनस फाइव तो फोर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स तो माइनस फोर एक्स, फिर टेन प्लस वन तो प्लस इलेवन, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।